जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए हैं, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। गाइज, आज तारीख है 20 दिसंबर और सुबह के बज रहे हैं अभी 9:15। तो मैं रेडी हो चुका हूँ। राइटर्स लोगों ने जो टाइम दे रखा है वो 10 बजे का दे रखा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आ रखा हूँ शिमला, और 19 तारीख को मतलब पिछले कल मैं निकल चुका था चंडीगढ़ से पिकअप करके, और नाइट में हम दिल्ली पहुँच गए थे। अगर आप लास्ट ब्लॉग नहीं देखा तो आप चेक इन करें, ठीक है गाइज, आप देखिए। और अभी हम आज हम जो निकलेंगे कुफरी और ग्रीन वैली, जाकू टेंपल, माल रोड, देखते हैं कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हम कवर करते हैं। डिपेंड करता है राइडर्स लोगों के आने पे, कितनी जल्दी आते हैं और कितनी जल्दी वो लोग कुफरी वगैरह घूमते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पता चल पाएगा, ठीक है गाइज। तो आप ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दें। और गाइज, जितने भी नए मेंबर हमारे जुड़ रहे थे, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आता, आपका एक सब्सक्राइब से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम चेक करते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया जितने सब्सक्राइबर नहीं, उससे ज़्यादा कई गुना मतलब डबल सब्सक्राइबर मतलब नॉन सब्सक्राइबर जो है ब्लॉग हमारा देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, पर लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग करें। और डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक दे रखा है, तो वहाँ भी जा करके आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर भी मैं डेली शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ, रील डालता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ भी डालता रहता हूँ। तो आप लोग चेक इन करें और वीडियोज़ को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। और अभी मैंने पूजा वगैरह मैंने कर ली, तो बाहर का व्यू कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं। ये पूरा होटल का पार्किंग प्लेस है, पूरा एरिया जो है, और सामने का व्यू कुछ इस तरह का निकल के आता है। सुबह सुबह यहाँ पे पहाड़ों में एक चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी खिल के आ जाती है, तो यहाँ पे ठंड का उतना एहसास नहीं होता है। और सामने आपका है माल रोड, और अपनी गाड़ी यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट हो रही है, और ये रहा होटल रेजेंटा प्लेस, ठीक है। ये होटल है और यहाँ पे होटल काफ़ी अच्छा है राइडर्स लोगों के लिए, जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, बट जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनके लिए यहाँ पे फैसिलिटी सिर्फ फ्रेश होने की और नहाने धोने की है। उसके अलावा यहाँ पे खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। सामने अपना माल रोड है और ऊपर टॉप पे जो है जाकू मंदिर है हनुमान जी का, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए टॉप पे जो आपको एक स्टैचू दिख रहा है वो हनुमान जी हैं, जाकू टेम्पल, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो अगर आप लोग शिमला आते हैं तो जाकू टेम्पल ज़रूर जाएँ और हनुमान जी के दर्शन करें और उनसे अपना आशीर्वाद जरूर रहे, ठीक है गाइस। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो रही है, राइडर्स लोग फिर जैसे ही आ जाते हैं उसके बाद हम निकल जाएंगे लोकल साइट सीन के लिए। तब तक आप बने रहें, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी टाइम हो रहा है 12:15 बज चुके हैं, 11:15 बजे हम निकले थे होटल से और अभी हम पहुँचे हुए हैं ग्रीन वैली कुफरी रोड पर। आप देख सकते हैं काफ़ी, तो गाइज ये है आपका ग्रीन वैली, आप चेक कर सकते हैं, पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे, पूरी ग्रीन वैली है और काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ पे निखर के आता है। और आप लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक वगैरह, वीडियो रील्स वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं। और देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे निखर के आता है, ये चेक करें और ये चेक करें, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, घने देवदार के पेड़ यहाँ पे हैं और सभी यहाँ पे राइडर्स लोग फोटो क्लिक वगैरह यहाँ पे करते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी जो लोकल ड्रेस है पहन करके फ़ोटो क्लिक वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं, तो जैसे ही फोटोग्राफी उनकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद निकलते हैं। और गाड़ी अपनी सामने पार्क हो चुकी है, जगह मिल गई थी, इस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ रोड पे एक साइड में लगाई जाती हैं, पुलिस यहाँ पे हमेशा रहती है, आप गलत तरीके से गाड़ियाँ नहीं खड़ी कर सकते। अगर पार्किंग है तो अगर जगह मिल रही है तभी आप गाड़ी खड़ी करिए, अदरवाइज यहाँ पे गाड़ियाँ रॉन्ग साइड में खड़ी ना करें, ठीक है गाइस। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि आपको ये वैली कैसी लग रही है और कैसी वैली आप लोग देखना चाहते हैं। तो आप लोग भी
अगर इंटरेस्टेड हैं टूरिस्ट प्लेस के लिए और इन खूबसूरत वादियों में अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमसे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और राइडर्स लोग जैसे ही फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद फिर। अभी हम निकल चुके हैं कुफरी के लिए और ग्रीन वैली को यहाँ पे हम छोड़ते हुए हम जा रहे हैं कुफरी खूबसूरत वादियों में। और आप यहाँ की रोड देख सकते हैं, कितनी प्यारी रोड है, काफ़ी जिग जैग वाला रोड है और चढ़ाई काफ़ी है। अभी आपको वीडियो में उतना नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन यहाँ पे दूसरे गियर से तीसरा गियर लगना बहुत मुश्किल हो जाता है और अगर ट्रैफिक लग जाए तो फिर तो क्या कहना, पहले गियर पे भी गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है अगर सवारी पूरी गाड़ी में बैठी हो। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, तो आप लोग इंजॉय कीजिए इस खूबसूरत वादियों को इस म्यूज़िक के साथ। चुका हूँ शिमला माल रोड की पार्किंग में और बाहर का आपको व्यू दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का व्यू शाम को निकल के आता है। आप देख सकते हैं ये पूरा शिमला का माल रोड का एरिया है और रात के टाइम पे लाइटिंग से काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है शिमला माल रोड और सामने अपना देश की आन मान शान तिरंगा। हाँ आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें कितना प्यारा लग रहा है। काफ़ी तेज़ हवा बाहर चल रही है और ये रहा आपका घंटा घर और ये पूरे माल रोड की लाइटिंग है और कुछ इस तरह का नज़ारा शाम को देखने को मिलता है अपना शिमला माल रोड की पार्किंग से। और अभी जो टाइम हो रहा है गाइस वो हो रहा है 7:25, राइडर्स लोग आए थे 6:10 पे कुफरी से, तो अभी वो लोग चले गए हैं माल रोड और माल रोड में राइडर्स लोग जो हैं घूमने के लिए निकल चुके हैं और जैसे ही वहाँ से आएंगे उसके बाद हम निकल जाएंगे होटल के लिए और कल निकलेंगे अपनी नई डेस्टिनेशन मनाली के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा करें। भाई देखिए जो सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है जिसके साथ ही आपकी लिफ्ट है जो कि माल रोड तक जाती है, माल रोड तक पूरी नहीं जाती है, ऊपर रोड तक जाती है, वहाँ से फिर आपको माल रोड के लिए ऊपर रास्ते से जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ से वो रास्ता आपको ट्रैक करते हुए सामने आपका घंटा घर हो गया। और जो फ्लैग दिख रहा है वो माल रोड का आपका है और जस्ट उसके अपोजिट में जो है आपका चर्च उग रहा है। ठीक है गाइस, तो इस तरह का नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर भी पहुँचा हुआ है लेकिन आज थोड़ा सा टूरिस्ट कम है, एक दो दिन कल से कम यहाँ पे टूरिस्ट नज़र आ रहा है लेकिन आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे टूरिस्ट पूरा बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगी। और ये पार्किंग प्लेस है और यहाँ से गाड़ियाँ सब बाहर को निकलते हुए आप देख सकते हैं ये पार्किंग है और मैं भी अभी पार्किंग से ऊपर जाता हूँ और कुछ खाना वगैरह खा लेते हैं क्योंकि तो टाइम हो ही गया, जब राइडर सब आ जाएंगे तो उसके बाद फिर अपना निकल जाएंगे सीधे होटल के लिए। तो अभी देखते हैं ऊपर कोई डिनर वगैरह कर लेते हैं। ठीक है गाइस, गाड़ी अपनी पार्क है, कोई दिक्कत नहीं है, जाते हैं फटाफट खाना वगैरह खा लेते हैं। अभी रात के बज रहे हैं 8 और मैं खाना खा के आ चुका हूँ, डिनर मैंने कर लिया है और मैं भी शिमला की पार्किंग में ही हूँ, शिमला माल रोड की जो लिफ्ट वाली पार्किंग है वहीं पर अभी मैं हूँ। तो अभी 8:10 हो चुके हैं, 8:15 होने वाले हैं, तो राइडर्स लोग अभी आए नहीं क्योंकि लेट गए हैं, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने के लिए। तो होटल जा कर के ब्लॉग बनाने का कोई तुक बनता नहीं है, तो इस ब्लॉग को अभी ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा करें और जितने भी हमारे नए मेंबर्स हमारे इस ब्लॉग को वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रैवलिंग ब्लॉग और टैक्सी की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग हमसे टैक्सी के लिए संपर्क कर सकते हैं दिल्ली NCR से या फिर चंडीगढ़ से, हिमाचल या फिर उत्तराखंड, राजस्थान, कहीं भी अगर आपको ट्रैवलिंग प्लान बनाना है तो आप लोग हमें व्हाट्सअप, अपना ट्रिप प्लान हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको सेंड करेंगे कोटेशन।
रखिएगा। इस पर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए शो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, बाय बाय।